हेलो हाय गाइस। तो बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ और आज जा रहे हैं हम प्रिंस का दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसके लिए जा रहे हैं, उसको डॉक्टर के पास दिखाना है क्योंकि कीड़ा लग गया शायद, तो वही दिखाने हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 हो चुके हैं, लेट हो रहे हैं काफ़ी, तो निकलते हैं यहाँ से। घर को पूरा साफ सुथरा करके जा रही हूँ, सब कुछ जल्दीबाजी में किया है क्योंकि अभी जो मेरी बेटी है वो भी कोचिंग के लिए निकल गई है, उसको तो खाना पैक करके देना पड़ता है, लेकिन हम लोग अपना खाना खा के गए। बस सारा कुछ नीट एंड क्लीन कर दिया, जा रहे हैं। ये वाला पोर्शन आपने पहले देखा होगा ना, इधर ये पूरा बना हुआ था तो ये तुड़वा दिया क्योंकि काफी ऊंचा हो गया था ना, तो अब ये तुड़वा रखा है सारा का सारा। कल आएगा मिस्त्री से ठीक करने के लिए, 1 महीने से तोड़ रखा है ना मिस्त्री ने, हम गाँव चले गए तो वो आया नहीं, तो ये तुड़वा दिया है। इस तरफ तो पूरा हौस पौस हो रखा है। चलो चलते हैं। प्रिंस शूज पहन लिया बाबू? चल बालकनी का डोर बंद करो जल्दी से, कुंडी लगाओ। ये चप्पल, हाँ ये तो ये किसके चप्पल में इतना रेता मिट्टी आया? आपके आया होगा पक्का। आप ना घर जाते वक्त पहना करो ना चप्पल, जूते सारे देखो सारे मिट्टी मिट्टी कर दी, पोछे बाहर की कर दिए, अंदर ही सोते। चलो निकलते हैं, चलो 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 चलो। हम बैठ गए हैं ऑटो में और आज ना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है क्योंकि अभी 7:30 बजे का ही टाइम है। टाइम जितना बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा ट्रैफिक भी बढ़ जाता है, और अभी बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक काफ़ी कम है। जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होना शुरू हो जाता है। और ये वाला एरिया जो आपने देखा, इतनी मिट्टी विट्टी की, बहुत बड़ा नाला था जिसे गवर्नमेंट ने अब पूरा भर करके एक पार्क जैसा बना दिया है। पहुँच गए हैं हम मेट्रो स्टेशन। प्रिंस ने भी अपना कार्ड लगाया और एंटर कर लिया है, कार्ड मेरे और को दे दे। अब मैं लगा रही हूँ पीछे से अपना कार्ड। पहले हम लोगों ने अपने कार्ड में बैलेंस चेक कर लिया था यहाँ से ही, और मिल गई हमको मेट्रो। मेट्रो में मैं बैठ के आराम से तसल्ली से अपना फ़ोन देख रही हूँ, और इन दोनों को सीट नहीं मिली, प्रिंस और इसके पापा को, तो ये आराम से मेट्रो में खड़े हैं। मेट्रो में जाना काफ़ी कम्फर्टेबल है क्योंकि हम लोगों को ना बस में जाते हैं तो एक बहुत लंबा सफ़र हो जाता है, मेट्रो से हम लोग वही सफ़र जल्दी से जल्दी तय कर लेते हैं। चलो मेट्रो का भी सफ़र हुआ अभी फ़िलहाल के लिए ख़त्म, उतर चुके हैं और एक्सलेटर से जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ क्योंकि सीढ़ियों से हमको नहीं चढ़ना। आलस भरी ज़िंदगी जो है ना, आलस कर जाते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने में, और चलो एक्सलेटर से ही बार बार हम बाहर निकल रहे हैं कि दो जगह पे है यहाँ पे एक्सलेटर, और यहाँ से भी हमको अपना कार टच करना है और कार टच करके निकलना है बाहर। चलो, और यहाँ से बाहर निकलने के बाद इधर लिफ्ट है, फिर एक्सलेटर है, फिर नॉर्मल सीढ़ियाँ हैं जिन्हें आप अपने पैरों से चल करके जा सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे, इतनी भीड़ है, सब एक्सलेटर से ही जा रही है, सिर्फ एक लेडी आ रही थी नॉर्मल सीढ़ियों से। पहुंच गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में पहुंचते ही कार्ड बनाया। कार्ड बनाने के बाद हमने प्रिंस के दांत का एक्सरे करवाया तो उसमें आया है कि कीड़ा है और जाकर के 5वीं मंजिल पे दिखाना है हमें। हॉस्पिटल में जाते ही ना मेरा मन ना एकदम ख़राब हो जाता है क्योंकि बहुत से पेशेंट देख के ना मन अजीब सा हो जाता है, टूटे फूटे से लोग देख करके, किसी को क्या दिक्कत किसी को क्या दिक्कत, मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यहाँ से दिखा लिया, 5वीं मंजिल पर गए डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो वहाँ पे भी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी कुछ टाइम आप वेट करो, ज़्यादा दिक्कत होगी तो निकालेंगे, अदरवाइज ये खुद से टूट जाएगा ये वाला दांत। और अभी पीछे से उन्होंने एक्सरे करके देखा है तो वो बोल रहे हैं कि पीछे से दांत अभी आ रहा है, इस वाले दांत से थोड़ा हार्ड चीज़ें खाओ, नया दांत आ जाएगा। बस वापस निकल चुके हैं। प्रिंस को ना मतलब बहुत ज़्यादा शौक है हर चीज़ का कि अब उसने वापस से, जबकि हमने पहले ही चेक किया था, उसने फिर भी कार्ड में अमाउंट चेक किया कि कितना बैलेंस है और कितना नहीं है। अब हम मेट्रो में नीचे आ चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं मेट्रो का। मेट्रो आ रही है, पता चल रहा है क्योंकि जब मेट्रो आती है दूर से तो काफ़ी तेज़ हवा सी आती है और पता चल जाता है कि हाँ मेट्रो आ रही है, तो अभी काफ़ी तेज़ हवा आ रही है तो इससे पता चलता है कि उस साइड से मेट्रो आ रही है। आ चुकी है हमारी मेट्रो। चलो अब मेट्रो में बैठते हैं, और मेट्रो में बैठने का फ़ायदा यह है कितनी भी बाहर गर्मी हो यहाँ पर हम लोग को एक नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाता है क्योंकि ये ना पूरी मेट्रो एसी वाली होती है, तो बस से हमारा यही सफ़र बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। और मेट्रो में ना अभी सीट इजीली मिल गई क्योंकि अभी ना तो लोगों की छुट्टी का टाइम है और ना ही इधर उधर जाने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इजीली हमको सीट मिल गई है। और अब पूरे 50 मिनट का मेट्रो का सफ़र करने के बाद आया है हमारा स्टॉप। स्टॉप से बाहर निकलते ही इतनी गर्मी लगनी शुरू हो गई, बाहर कम से कम 42-43 का टेम्परेचर है, और हमने ऑटो ले लिया। बस ऑटो में बैठ के घर पहुंचते पहुंचते दिमाग इतना गर्म हो गया ना, बिल्कुल भी बाहर भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी में लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसको ज़्यादा ज़रूरी काम है वही निकल रहा होगा।
घर पहुंचने के बाद हमने बिल्कुल भी कैमरा हाथ में नहीं लिया क्योंकि इतना थक गए थे, थके इतना नहीं थे जितना कि गर्मी के कारण परेशान हो गए थे। हमने आराम से घर आके नहाया धोया और अपना लंच किया, उसके बाद रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद हम जब शाम को उठे 5-6 बजे, तो फिर उसके बाद हमने बनाया मैंगो शेक, क्योंकि 4 तो हमको घर पहुँचते पहुँचते बज गए थे। 4 बजे हम पहुँचे और 4 बजे पहुँच के हमने अपना लंच किया है। फिर 6 बजे, 5 बजे सो गए थे, 6 बजे उठे तो प्रिंस ने बोला कि चलो मैंगो शेक बना दो, तो यहीं पे मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। अभी 6 बजे तक पहुँचेगी मेरी बेटी आज घर, और मैंगो शेक बनाते हैं, मैंगो शेक पीते हैं। चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीजिए साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, आपको मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।